हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द टेस्ट ऑफ इंडिया। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा शिमला मिर्च। फ्रेंड्स, इसे देख के ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी सी दिख रही है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो रेसिपी है वो भी बहुत ही सिंपल है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले गैस पे पैन रखी है। पैन में मैंने एक छोटा चम्मच ऑयल डाला है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, उसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाला है और एक छोटा चम्मच मैंने इसमें सौंफ डाली है। सौंफ से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा, तो सौंफ इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटे प्याज डाले हैं और अच्छे से मैंने आधा मिनट इन्हें भून लिया है। फिर मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है एक छोटा चम्मच, फिर से अच्छे से इसे भून लिया है। अब इसमें मसाले ऐड करने हैं, तो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मैंने सभी मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बाकी वैसे सभी मैंने आधे आधे छोटे चम्मच डाले हैं। फिर मैंने इसके अंदर डाले हैं बॉईल किए हुए आलू। आलू को मैंने पहले से बॉईल करके छील के और अच्छे से मैश करके रखा था, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं और अच्छे से मसाले के साथ 1 मिनट भून लिया है। तो इस तरह से भून लेना है। फिर इसमें डालना है गरम मसाला, तो आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल के गैस की फ्लेम ऑफ की है। हमें शिमला मिर्च तैयार कर लेनी है, तो मैंने शिमला मिर्च को अच्छे से साफ धो के पोंछ लिया है और बीच में से इस तरह से मैं इसे कट लगा के इसके अंदर जितने भी बीज है वो निकाल दूंगी। और आप चाहे तो इसे डंडी हटा सकते हैं और ऊपर से कट लगा सकते हैं, पर मुझे इसे डंडी के साथ बनाना बहुत अच्छा लगता है और ये एक्चुअल में सुंदर भी लगती है। तो मैं इस तरह से इसे काट रही हूँ और इसके अंदर जो बीज है उसे हमें निकाल देना है। तो इस तरह से सारी शिमला मिर्च को मैंने कट करके साफ़ कर लिया है। देख सकते हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और अंदर से मैंने इसे खाली कर लिया है। आप इस तरह से ऊपर ढक्कन भी हटा सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो वैसे आप शिमला मिर्च को खाली कर सकते हैं, मतलब इसके बीज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे बीज निकाल के सारी शिमला मिर्च को खाली कर लिया है। शिमला मिर्च तैयार है और इधर मसाला भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। मसाला जब अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हमें शिमला मिर्च के अंदर इसे भरना है, पहले गरम गरम को नहीं भरना है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। अब आप चाहे तो चम्मच से भरे, चाहे तो हाथ से भरने से बहुत ही अच्छे से भरी जाएगी और अंदर तक इसके मसाला जाएगा। तो मैंने इसे हाथ से ही भरा है। अच्छे से दबा दबा के सारी शिमला मिर्च को भर दिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसका जो मसाला है बाहर नहीं आएगा। आप आराम से इसे भर सकते हैं। अच्छे से सारी शिमला मिर्च भर के मैंने तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने बनाई है 5 शिमला मिर्च। मैं 5 जनों के लिए बना रही हूँ, बड़ी है इसलिए मैंने 5 बनाई है। तो शिमला मिर्च इधर तैयार है। अब इसके लगाते हैं छोंक। तो छोंक लगाने के लिए हमें करना क्या है, उसी पैन के अंदर मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल के अंदर अच्छे से पकेगी, तो ऑयल डालने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल के फिर मैंने इसमें जीरा, सौंफ और मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। अच्छे से जब सभी चटक जाए फिर हमें इसके अंदर बारीक कटी हरी मिर्च डालनी है। तो 2 बारीक कटी मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है और 1 बारीक कटा प्याज डाला है। बड़ा वाला प्याज लिया था, तो 1 प्याज मैंने इसमें डाल दिया है बारीक काट के। अच्छे से गोल्डन होने तक इन्हें मैंने पका लिया है। गोल्डन होने के बाद सारी शिमला मिर्च को हमें इसमें रख देना है। अच्छे से सारी शिमला मिर्च मैंने इसमें रख दी है और ऑयल के साथ लगभग हमें 3 से 4 मिनट इसे पका लेना है। हमें अभी इसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ऑयल के साथ ही हमें इसे चलाते हुए पकाना है। तो पलटते हुए मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मसाला इसका बाहर नहीं आता है, अगर आप अच्छे से इसे दबा के भरेंगे तो अच्छे से मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये पकती है हमें इसकी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। तो ग्रेवी के लिए मैंने बाउल के अंदर डाला है 3 बड़े चम्मच दही, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और डाला है मैंने इसके अंदर नमक। सभी 1-1 छोटे चम्मच डाले हैं। मसाले थोड़े ज़्यादा होंगे तो ये सब्ज़ी चटपटी बनेगी। तो अच्छे से सभी को डाल के दही के साथ फेंट लेना है। तो अब अच्छे से इसकी ग्रेवी बनेगी। फ्रेंड्स, आप चाहे तो टमाटर डाल सकते हैं, पर दही से बहुत ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अच्छे से सारा दही मसाले वाला डाल दिया है और हमें अब इसे दही डालने के बाद लगातार चलाते रहना है और अच्छे से मिक्स करना है। तो 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे इस तरह से मिक्स किया है और चलाया है। और फिर मैंने इसे लगभग 2 मिनट पकाया है। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है, ऑयल भी रिलीज कर दिया है सब्ज़ी ने और बहुत ही चटपटी सुंदर सी दिख रही है और शिमला मिर्च भी अच्छे से पक चुकी है। तो अच्छे से पकने के बाद मैंने इस तरह से गैस पर सर्व कर लिया है। तो बहुत ही चटपटी, बहुत ही सुंदर सी सब्ज़ी बनके तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो ये सब्ज़ी तो बनाना बनता ही है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। थैंक यू।